सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड विकी। मैं हूं साहिबा कौर। और आज हम आगे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी क्या चल रहा है। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर है और हर जगह दहशत है। यहां तक मतलब चाइना से स्टार्ट हुआ, तो वुहान शहर से जैसे एक अपडेट दे देता हूँ। कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल, ऑफकोर्स सुना है। छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे नाम है यार कोरोना वायरस। तो यार उसने इतनी हर जगह तो कोरोना वायरस, ठीक है, तो इतनी दहशत हो गई है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं मतलब बहुत ही परेशान हो गया हूँ, मतलब देख के इस दुनिया का होने वाला क्या है ना। तो डोंट वरी, तो ये जो वायरस है इसका जो मैंने जहाँ तक मुझे पता है इसका जो डेथ रेट है बहुत कम है। मतलब कि आउट ऑफ 100 में से 3 है, 2-3 है, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पे कि आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। और आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, कुछ नहीं होता। और ये थोड़ा इफेक्ट करता है, जैसे थोड़े बुजुर्ग हैं और थोड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ा बचाओ। तो सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। हैंड वॉश हम नॉर्मल ऐसे यूज करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे पूरा प्रॉपर। एक बार दिखाओ कैसे, ऐसे 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 प्रॉपर, ठीक है, हैंड वॉश करना है। और सैनिटाइजर अपने पास रखो, और सैनिटाइजर प्रॉपर। अगर बाहर कहीं पे भी जाते हो तो कुछ दिन की बात है भाइयों, क्या पता गर्मी बोल रहे हैं कि पड़ेगी, तो वो जो भी जो वायरस होते हैं वो उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ा केयर करो प्लीज। हमारी एक यूट्यूब फैमिली है, मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली यूट्यूब की, किसी को कुछ ना हो, ये क्या हमारी ह्यूमैनिटी को कुछ ना हो, मैं ये चाहता हूँ। अल्लाह भगवान वाहेगुरु सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो चलो, रिएक्शन भी मेरा आज उसी पे है कि बांग्लादेश में जो करंट सिचुएशन है और बांग्लादेश कैसे फाइट कर रहा है। मतलब देखो, हर एक कंट्री अपने अपने, जैसे इंडिया होगी, अलग अलग एशिया की कंट्रीज हो गई, बांग्लादेश होगी, वो भी अपनी अपनी जगह में सब कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैसे बचा जाए इस वायरस से। तो बांग्लादेश के क्या इंतजाम है और वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, क्या क्या चीज़ें ऐसे कर रही है जिससे प्रोटेक्शन हो जाए, है ना, वहाँ पे कुछ ऐसी दहशत ना फैले, तो उस पर आज करने वाले हम रिएक्शन और देखेंगे बांग्लादेश की कितनी तैयारी है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। लाइक शेयर के लिए, शेयर के लिए मैं बोलूँगा, ठीक है, लाइक मत ही करना, नो प्रॉब्लम, अगर पसंद आया तो कर देना, वैसे नहीं बोलता, पर शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। और सब्सक्राइब आपके ऊपर है, करना करो। आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए है, तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने सबके साथ। तो एक ह्यूमैनिटी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपने आप को सेफ रखें, बच्चों को ये वीडियो सबको शेयर करो। देखो, ज़्यादा गैदरिंग वाली जगह पे मत जाओ, ठीक है, कुछ दिन की बात है, क्योंकि ये फैलता है टच करने से, ह्यूमन बॉडी से, ठीक है, हवा से नहीं फैलता है। तो सैनिटाइजर प्रॉपर यूज़ करें, हाथ को सेफ करके रखें। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कहीं वायरस है, ठीक है, वहाँ पे हमने किसी ने टच कर दिया, तो वो जब हाथ हम फेस पे, नाक कहीं पे नहीं लगाते हैं तो वायरस नहीं फैलता। अगर हाथ में है और हमने वॉश कर लिया या सैनिटाइज कर लिया तो वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ केयर करें इस चीज़ को, और प्लीज़ सेफ अपने आप को जरूर रखें। चलो दोस्तों, अब मैं रिएक्शन करता हूँ, देख लेते हैं ना वो क्या इंतजाम है बांग्लादेश के। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, हियर वी गो। कोरोना वायरस, I'm sure you've heard this term multiple times in the past few days. What is it? This is a virus which originated from a wet market in Wuhan. And what makes this so dangerous? There is no cure or vaccine yet. It can spread easily just from a simple sneeze. It has already spread to over 80 countries, affecting over 114,000 people and killing over 4,000 people. And on 8th March 2020, in my small country of Bangladesh, headlines were made when 3 people tested positive for coronavirus. This put my country in a state of turmoil and panic. Sanitizers and masks were completely sold out in every pharmacy. And businessmen were taking advantage of the situation, selling the masks and sanitizers at 10 times the price. And we were put in a state of panic. Was this the end? No, it actually has a very high recovery rate, and over 64,000 people have already recovered. And this coronavirus is actually very easy to tackle. All you need to do is wash your hands properly and make sure to carry a hand sanitizer. And do not touch your nose, your ears, or your mouth without washing your hands. And this small country of Bangladesh has done a fine job in containing the virus.
basically the government has set up isolated hospitals for quarantine if you are infected. And also the Bangladeshi people are a group of born fighters since 1971. They have teamed up. The public universities and private institutions have completely turned off finger scanning. Groups of security guards and volunteers have teamed up to give sanitizers to anyone entering the campus. And schools have already started distributing free masks to all the students and to all the parents as well. And heck, even online pages are giving away free masks. Free masks, guys. You have more chances from dying from a car accident than coronavirus. So do not panic. There are some good things happening because of coronavirus. Dhaka has one of the worst air quality indexes in the world. The air we are breathing in here, it is basically toxic, and we should be wearing masks. But thanks to coronavirus, we're all wearing masks. We're slowly helping each other. My faith in humanity is slowly being restored. And guys, do not panic. Humanity will prevail, and coronavirus will be taken out. Goodbye. तो भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है और मतलब कि बिलीव करो बांग्लादेश में बहुत अच्छी तैयारी है. मतलब जैसे इन्होंने बताया कि फ्री मास्क वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस सैनिटाइजर वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं मॉल्स वगैरह में, सिक्योरिटी गार्ड की हर जगह में सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा. तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है. पर एक्चुअल क्या हो रहा है ना हर मैक्सिमम कंट्रीज में कि कैनेडा वैनेडा सोचो, कैनेडा जैसी जगह में ना मास्क नहीं मिल रहे. अगर मैं बात करूँ हमारे पंजाबी रिलीजन के, मतलब मैक्सिमम लोग आउट ऑफ इंडिया है, मतलब कनाडा में बहुत ज़्यादा है. तो मेरे दोस्त और फ्रेंड सर्कल है उनमें से पता लगा है कि वहाँ पे मास्क नहीं मिल रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि यहाँ से इंडिया से उन्हें कुरियर किया जा रहा है मास्क, और प्राइस लग रहा है 8,000 रुपीज़ सिर्फ एक मास्क को कुरियर करने के लिए. और वो कुरियर वाले भी नहीं कुरियर कर रहे हैं क्योंकि बहुत हाई रिस्क पे उनको भेजना पड़ रहा है, और 8,000 एक मास्क के लिए, आर यू बिलीव इट. तो ये कंडीशन हो रही है आउट ऑफ कंट्री. पर जब सुना है मैंने बांग्लादेश के बारे में कि वो फ्री मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस वो ऐसी सैनिटाइजर और एयर पॉल्यूशन को रोक रहे हैं, मतलब हर जगह चेकिंग कर रहे हैं, तो और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वो फिंगर स्कैनिंग वगैरह को सबको हटा दिया. तो दिस इज़ अ रियली ट्रेमेंडियस जॉब जो परफॉर्म करिए बांग्लादेश इसके लिए. पर या तो आप भी, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी बाहर जाते हो तो आप प्रॉपर सैनिटाइज करोगे अपने हाथ को और मास्क वेयर करोगे, ठीक है. ये हमारी मतलब जो सिचुएशन से हम फेस कर रहे हैं उससे हमें बचना है. तो और हम बच के रहेंगे, लड़के रहेंगे. पर एक बस उससे बचने के लिए दो तीन चीजें करनी है बस आपको. यस, बाहर से आओ, हाथ हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करके फिर सैनिटाइज करो, दो दो काम. और मास्क जरूर यूज करो, और बाहर कुछ भी टच करने से बचो सबसे. और एक दो चीजें देखो, नॉन वेज कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये जो ना वायरस आया था ये उसी में से आया था, एनिमल से आया था, कुछ भी बर्ड से आया था, किसी से भी आया था. बट बी सेफ, ठीक है, यही लास्ट में बोलूंगा. तो टेक केयर योर सेल्फ, मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ. ये थी एक आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो और समझाने के लिए आपके भाई की तरफ से. तो रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के आप सबसे कि आप प्लीज फॉलो करोगे इस चीजों को और शेयर करो, बहुत सारा शेयर करना सारे अपने दोस्तों को, सबको अवेयर करना है और बताना है. तो ये थी हमारी वीडियो, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ. बाय, टेक केयर, सब बाय, सत श्री अकाल.